हेलो गाइस हाउ आर यू ऑल डूइंग तो आज की वीडियो में मैंने क्रिएट किया है ब्यूटीफुल सा स्मोकी आई मेकअप लुक और ये लुक बहुत ही प्यारा लगता है सब पे बहुत सूट करता है और स्मोकी आइज आप किसी भी आउटफिट के साथ पेयर कर सकते हैं वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले मैं वेयर कर रही हूँ कॉन्टैक्ट लेंसेिस ये है कलर कॉन्टैक्ट लेंसेिस फ्रॉम जस्ट फॉर कीरा इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जाके आप चेक कर लेना बहुत ही कंफर्टेबल है गाइस अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे आपको एक्स्ट्रा परसेंट ऑफ भी मिलेगा फिर मैं अपने आईब्रोज को फिल करूँगी यूजिंग मेकअप रेवोल्यूशन पेंसिल इसका एक साइड पे स्पूली है और एक साइड पे आपको पेंसिल मिलेगी और बहुत अच्छी है गाइस ये इतनी अफोर्डेबल है ओनली फॉर 400 और 500 रुपीस और बहुत अच्छी पिगमेंटेशन है इस आईब्रो पेंसिल की और मुझे तो बहुत अच्छी लगी मतलब सीरियसली बहुत प्रिसाइसली काम करती है ये फिर मैं यूज़ करने वाली हूँ एल गर्ल कंसीलर और अपने आईलेट एरिया पर लगाऊंगी कंसीलर क्योंकि आप जब भी स्मोकी आइज़ करें मेक श्योर sure करें आप अपने आईलेट पे लाइट कंसीलर ज़रूर यूज़ करें सो दैट की पिगमेंट ज़्यादा उभर कर आए और काव आउट भी करूँगी फिर मैं यूज़ करने वाली हूँ जैकलिन हिल वॉल्यूम वन पैलेट इसमें से ये ब्लैक शेड को डायरेक्टली लगाऊंगी अब मैं कोई बेस नहीं लगा रही हूँ इसके लिए ठीक है अगर मैं बेस लगाती ना तो ये और ज़्यादा इंटेंस लगती मुझे इतना इंटेंस लुक नहीं चाहिए था इसलिए मुझे थोड़ी सॉफ्ट स्मोकी आइस क्रिएट करनी थी इसलिए मैंने डायरेक्टली पाउडर आई शेडो को ही प्लेस कर दिया ऑन टॉप ऑफ कंसीलर कंसीलर को मैंने सेट नहीं किया है ओके फिर मैं ये वाला ब्रश यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ टू पिक दिस ब्राउन शेड और अच्छे से मैं क्रीज के ऊपर लगाऊंगी और डिफ्यूज करूंगी एजिस को सो so दैट की जो मेरा ब्लैक है ना ब्लैक एंड ब्राउन मिक्स होकर बहुत ही ब्यूटीफुल कलर फॉर्म हो बैक एंड फोर्थ मोशन में आपको कलर को ऐसे ब्लेड करते रहना है करते रहते हैं जब तक तो डिफ्यूज़ ना हो जाए एजिस अब मैं इस लाइट शेड को यूज़ करने वाली हूँ और इसको मैं ऊपर लगाऊंगी सो so दैट की जो मैंने दो कलर्स यूज़ किए थे ना ब्लैक एंड ब्राउन ये अच्छे से मिक्स हो जाए और कोई स्टॉक लाइन नज़र ना आए मेक श्योर sure करें आपकी ब्लैंडबिलिटी अच्छी होगा इस ठीक है फिर मैंने एक ब्रश लिया है जो कि फ़्लफी है इसके ऊपर कोई भी कलर नहीं है और अच्छे से मैं एजिस को ब्लेंड करती जा रही हूँ जब तक आपके हाथ ना दुख जाए ना बस ब्लेंड करते रहे अब फिर से ब्लैक शेड को उठाऊंगी और लगाऊंगी अपने लेट पर और फिर से मैं ब्लेंड करूँगी बस इस तरीके से आपको करते रहना जब तक आपको आपकी डिज़ाइड कवरेज ना मिल जाए मैं लैशेज़ यूज़ कर रही हूँ और फिर मैंने क्या किया है एक कॉटन पैड के मैं माइसले वाटर को लेकर ना अच्छे से एजिस को शार्प आउट कर दिया है सो so दैट की क्लीन इफेक्ट आए क्योंकि जब आप स्मोकी आइज करते हैं फॉल आउट होता है एंड यू डोंट वॉन्ट योर बेस मेकअप टू गेट स्पॉइल्ड ऑल राइट अब मैं अपने फेस पर लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र और फेस को पहले सेट कर रही हूँ उसके बाद मैं लगाने वाली हूँ स्ट्रॉबिंग क्रीम एंड गाइज ये वाला जो मेकअप लुक है ना मैंने बॉलीवुड नाइट थी यहाँ पर अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते आपको बताओगे मैंने ब्लैक ड्रेस पहनी थी उसके साथ मैंने क्रिएट किया था ये वाला मेकअप लुक और सब लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया ना मेरा मेकअप मतलब सबको बहुत पसंद आया मेरा आई मेकअप खासकर उन्होंने कहा कि मतलब बहुत ही अच्छा आपने किया है बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है वो बिल्कुल भी तो केकी सा नहीं लग रहा है आपका फेस बहुत अच्छा लग रहा था तो यही स्टेप्स मैंने फॉलो किए थे जिससे आपका फेस केकी भी नहीं लगता और अच्छा भी लगता है फिर मैं यूज़ करने वाली हूँ कंसीलर और ये थोड़ा सा येलो अंडरटोन का है तो कवरेज भी दे देगा और जो कैंसल आउट जो ब्लैकनेस है उसको कैंसल आउट भी कर देगा ठीक है फिर मैं ब्रश की हेल्प से अच्छे से मैं ब्लेंड करी फिर मैं लेटर ऑन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी एंड प्लीज़ इग्नोर माई वॉइस क्योंकि मेरी हालत हो गई है ख़राब ठीक है मुझे ज़ुकाम है खांसी है और फीवर भी है और इसलिए मैं आजकल ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ गाइज सो प्लीज़ इग्नोर माई वॉइस अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेबिलिन की ड्रीम सेटिन फिनिश फाउंडेशन अपने बैक ऑफ द हैंड पर मैं इसको वार्म करूँगी फिर प्रोडक्ट को लगाऊँगी इससे प्रोडक्ट बहुत अच्छे से आ, आपके ब्लेंड हो जाता है फेस पर और मतलब ब्यूटीफुल फिनिश आती है तो so, जब भी आप प्रोडक्ट लगाएं लिक्विड वाला हमेशा उसको बैक ऑफ द हैंड पे ऐसे यू you नो know, वार्म करें फिर लगाएं अपने फेस पर वैसे विंटर्स शुरू हो रही हैं तो डायरेक्टली फेस पे ना लगाएं कोई भी प्रोडक्ट हमेशा वार्म करके लगाएं और ये फाउंडेशन कमाल की फाउंडेशन है बहुत ही अच्छी कवरेज है इसकी बहुत ब्यूटीफुल लगती है स्किन लाइक फिनिश आती है और फिर मैं लेटर ऑन ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर जो मैंने सेटिंग्स पर डाली थी ना उससे मैं ब्लेंड कर दूंगी फेस को अब मैं यूज़ करने वाली हूँ लाइट कंसीलर जो कि है लॉरियल इन्फोलिबल कंसीलर इसका शेड नेम है बिस्किट और ये एक स्टेप करना भी इंपॉर्टेंट होता है तब जब आपको अपने जो फेस फीचर्स है ना उनको हाईलाइट करना हो ठीक है स्पेशली जब स्मोकी आइज करें तो ये स्टेप आप जरूर करें ये लाइट शेड है तो आपके फेशियल फीचर्स को और ज़्यादा हाईलाइट करेगा स्टैंड आउट करेगा बट डायरेक्टली आप इसको डार्क सर्कल्स के ऊपर यूज ना करें हमेशा कलर करेक्शन पहले करें उसके बाद आप लाइटर कसीला यूज़ कर सकते हैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी फिर मैं अपने फेस पे सेटिंग स्प्रे लगा रही हूँ सो दैट का मेरा मेकअप इंटैक्ट रहे क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा डांस किया था गाइस इस वहाँ पर बहुत पसीना आया था बट मेरा मेकअप इधर से उधर नहीं हुआ था सच बता रही हूँ मैं वैसे का वैसा रहा अब मैं यूज़ करूँ नया परचेज है मेरा अमेज़न से लिया है मैंने अमेज़ान इंडिया से इसका मैं लिंक नीचे लिंक दे दूँगी वैसे अमेज़ॉन हॉल आने वाला है इंडिया वाला मेरे चैनल पर तो ज़रूर वॉच करना बहुत ही अच्छा क्रीम ब्लश है ये इसको आप यूज कर सकते हो अपने चीक्स पे 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 आईज एंड लिप्स अर्थ कच करके ब्रांड का नाम है बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया मेरे फेस के ऊपर और फिर मैं यूज करने वाली हूँ लॉरा मर्सियर का ट्रांसलूसेंट पाउडर पहले क्रीजेस को हटाऊंगी फिर प्लेस करूँगी डायरेक्टली आपको ऐसे प्लेस नहीं करना है अदरवाइज जो पाउडर आप लगाओगे आपके क्रीजेस पे फाइनलाइंस में सेट हो जाएगा वो अच्छा नहीं लगता है हमेशा पहले हटाएं उसके बाद लगाएं फिर मैं एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से लगा रही हूँ और ये ब्रश है ना गाइस ये मैंने नेक्स्ट से खरीदा है बहुत ही अच्छा है ऑल इन वन काम करता है पाउडर भी लगाता है फाउंडेशन भी लगाता है सब कुछ करता है मतलब बहुत ही अच्छा ब्रश है और इसकी ब्लेंडेबिलिटी बहुत अच्छी है डेफ़िनेटली बाय करना मेरी रिकमेंडेशन पर क्योंकि मैंने ये बाय किया है श्रेया जैन की रिकमेंडेशन से तो बहुत अच्छा है मुझे बहुत अच्छा लगा थोड़ा सा महंगा है बट वर्थ है गाइस ये अब मैं अपने फेस को ना ब्रॉन्स करने वाली हूँ कॉन्टोरिंग नहीं करूँगी मैं यूज़ करी होला ब्रॉन्जर कमाल का ब्राउन्जर है ये आपके फेशियल फीचर्स को बहुत अच्छे से ब्राउन्जी लुक भी देता है कॉन्टोरिंग लुक भी देता है बहुत अच्छा अंडरटोन है इसका अपने फोरहेड पे भी लगाऊंगी अपने नोज पे भी हल्का सा लगाऊंगी और लिप्स पे भी हल्का सा लगाऊंगी जॉ लाइन को थोड़ा सा चिजल लुक देने के लिए मैं ये कर रही हूँ क्योंकि जब आप स्मोकियाइज़ करते हैं ना आपका फेशियल फीचर्स बहुत ज़्यादा चिजल्ड होने चाहिए तभी अच्छा लगता है आपका मेकअप एंड आप एक बार स्क्रीन ले लो और ये बहुत अच्छा ब्रश है ट्रस्ट मी ट्राई करना फिर मैं यूज़ करने वाली हूँ ये ब्लश पैलेट और फिर से वही सेम ब्लश ब्रश यूज़ कर रही हूँ मैं क्योंकि मैंने बताया ना ऑल इन वन है ये बहुत अच्छा है यार ये बहुत कमाल का ब्रश है इसके ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट है और मैं यूज़ कर रही स्विस ब्यूटी का पैलेट उसमें से इस कोरल कलर को यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि ब्लैक और पीछी कोरल कलर बहुत अच्छा लगता है फिर मैं यूज़ करने वाली हूँ हाई ये है सॉफ्ट एंड जेंटल फ्रॉम मैक इनर कॉर्नर्स पर लगाऊंगी इससे आपकी आइज़ और बड़ी बड़ी लगती है और प्रोबोन के नीचे लगाऊंगी अपने फेस पर लगाऊंगी बिल्कुल लाइट हैंड और बस इस तरीके से मैंने इस हाइलाइटर को लगाया आजकल मुझे हाइलाइटर लगाने का ज़्यादा शौक नहीं है सच बताओ मुझे आजकल क्रीम प्रोडक्ट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं एज़ कम्पेयर टू तो पाउडर प्रोडक्ट्स इसलिए मैं क्रीम प्रोडक्ट्स को भर भर के लगाती हूँ और या ये था मेरा बेस मेकअप जैसे मैं करती हूँ और अपने लोअर लैश लाइन पे मैं लगाने वाली हूँ सिंपल ब्राउन आई दैट्स इट कोई काजल वाजल कुछ भी नहीं क्योंकि मुझे ये बहुत सॉफ्ट सी लुक रखनी थी मुझे ज़्यादा इंटेंस नहीं रखनी थी बट इफ़ यू आर समबडी इसको काजल लगाना है गो फॉर इट ओके फिर मैं यूज़ करने वाली हूँ सेटिंग स्प्रे अपने फेस पे और मैं लगाने वाली हूँ कैटफॉन डी पहले क्योंकि म्यूटेड रखना है मुझे इस कलर को और फिर इसमें मिक्स करूंगी मैं मैक की कोई लिपस्टिक बैक इन बोक शायद हाँ बीच में लगाऊंगी सेंटर में सो दैट कि एक ओमरे इफेक्ट क्रिएट हो सके ठीक है और जब आप स्मोकी आइज़ करेंगे आइज प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप हमेशा अपने लिप्स को म्यूटेड रखें बहुत अच्छी लगती है इस तरीके से लुक्स फिर मैंने थोड़ा सा और ना अपने लिप्स को फुलर दिखाने के लिए लिप लाइनर यूज़ किया ये प्राइमा का लिप लाइनर है हंड्रेड रुपीज़ का नहीं वन फिफ्टी रुपीज़ का है ये गाइस ट्रस्ट मी अगर आप यूके में रहते ना इस लिप पेंसिल को आप ज़रूर ट्राई करना आई थिंक ये अब आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है बहुत ही कमाल का है और ये रहा मेरा फिनिश्ड लुक ये ज्वेलरी मैंने अमेजॉन इंडिया से बाई की है साड़ी मेरी मीना बाजार की है ये जो ब्लाउज़ है ये सरोजनी नगर का है बहुत ही ब्यूटीफुल लुक टर्न आउट हुआ वैसे मैंने पहले साड़ी पहननी थी फिर मुझे पता नहीं क्या दिमाग में सन का कि मैंने ड्रेस पहन ली बट ये था मेरा लुक बहुत ही ब्यूटीफुल टर्नआउट हुआ है और आपको कैसा लगा ये मेकअप लुक मुझे कमेंट करके जरूर बताना एंड या yeah, अगर आप रिक्रिएट करते हो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर टैग करना विद पिक्चर्स आई वुड लव टू सी और किस तरीके की वीडियोस आप देखना चाहते हो मेरे चैनल पे मुझे कमेंट करके प्लीज़ प्लीज़ बताना और या इफ़ यू रिक्रिएट एनी ऑफ माई लुक्स मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर टैग करना और ये थी कुछ पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैंने ये ड्रेस पहनी है एच एन एम की बहुत ही प्यारी सीक्वेंस ड्रेस है ये और ये रहा मेरा मेकअप और बस वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉलो फॉर मोर बाय टेक आई लव यू ऑल